सत श्री अकाल तुसी वेख रहे हो फ्रेंड्स टीवी कैनेडा मैं कमलप्रीत सिंह ते लेके हाजिर हाँ खबरों का अज का बुलेटिन शुरुआत हेडलाइनस तो सुखबीर सिंह बादल का वड्डा ऐलान 15 जून नूं मुख्यमंत्री की रिहायश का घिराओ आपदा पंजाब सरकार दे वड्डा हमला कहा 50% सरकार भ्रष्ट कैप्टन दे इस्तीफा कोटकपूरा फायरिंग केस च साबका DGP सैनी सिट अगे हुए पेश गुरमीत राम रहीम की कोरोना रिपोर्ट आई नैगेटिव रैपिड टेस्ट आया सी पॉजिटिव विधायक बबली मामले च दो किसानों नु कीता रहा पर टोहाना च धरना रहेगा जारी अते महिला कमीशन पंजाब ने लैंबर हुसैनपुरी अते उसकी पत्नी विचाले कराई सुलह ते हुण खबरां विस्तार नाल सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू नूं जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब ने बर्खास्त ना किया तो आने वाली 15 तारीख नूं मुख्यमंत्री दे घर दा घिराओ करांगे उस तो बाद गवर्नर पंजाब नूं श्रोमणी अकाली दल दा वफद मिलेगा ते जेकर फिर भी इंसाफ ना होया पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दा दरवाज़ा खड़काया जाएगा इन्हां विचारां दा प्रगटावा श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान ते साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने पत्रकारां दे नाल गल्लबात करदिआं कीता सुखबीर सिंह बादल अज वैक्सीन घपले के मामले में सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू की कोठी के बाहर 2 घंटे के संकेतक धरने में पुजे हुए सन सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े घपले देखे हैं पर अजिहा घपला कदे नहीं देखा कि लोगों की जिंदगी नाल इंज खिलवाड़ होया होवे सुखबीर ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने आप नूं फौजी कहते हैं पर फौजी वह नहीं हुंदा जो घर च लुक के बैठ जाए सुखबीर ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अपने नाम के अगों कैप्टन शब्द हटा देना चाहिए है सुखबीर बादल ने कहा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मुफ्त वैक्सीन लगवा रही है पर पंजाब सरकार पैसा कमा रही है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने मेडिकल कॉलेज में 200 डॉक्टर 150 स्टाफ नर्सिज रख के कोविड के दौरान लोगों की सेवा की है पर बलबीर सिंह सिद्धू ने फतेह किट के वड्डा कपला किया है उन्होंने कहा कि फतेह किटा लई बलबीर सिंह सिद्धू ने उस कंपनी चुनिया है जो कपड़े वेचती है अते जिस कोल मेडिकल लाइसेंस भी नहीं है सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि कोरोना महामारी के अंकड़े सरकार वालों गलत पेश किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि एक पासे पंजाब विच जाना जा रही हैं तो दूजे पासे इन्हां जाना बचाउण दे बदले विच पंजाब सरकार का सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू पैसे कमा रहा है इस दौरान वैक्सीन घपले के चलदे बलबीर सिंह सिद्धू कोलों अस्तीफे की मांग की गई बेशक अकाली दल वालों लाए इस धरने के चलदे सेहत मंत्री की रिहायश के नेड़े अते फेज 7 नूं पुलिस छावनी विच तब्दील किया पर एक एक करके सवेर तो ही अकाली वर्करां अते अहुदेदारां दा काफला पंजाब विच्चों मोहाली पहुंचना शुरू हो गया सी जिन्हां ने लुटिया खास करके जिन्हां ने लोकां दीआं जानां ते खिलवाड़ कीता वो बच नहीं सकणगे अंदर जाणगे मैं तुहानूं इतराज़ करदा मैं जा वी कहिंदा जे कैप्टन ने दरखास्त ना कीता कैप्टन दा घर 15 तरीक नूं घर घर घेरां गे गवर्नर को भी जावे तो नहीं हाई कोर्ट भी जावे नहीं तो 6 महीने बाद पता है फिर इन्होंने किसी को भजन नहीं देवे मैं तुम अज दसा पंजाब की जनता इंसाफ चाहती इंसाफ देख के छटागे आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार वालों कोरोना मरीजों को दी जाने वाली फतेह किट के मामले च घोटाले का पर्दाफाश किया है आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान भगवंत मान और सूबा इंचार्ज जरनैल सिंह ने आख्या है कि कैप्टन सरकार को भ्रष्टाचार की आदत पै गई है पहला रेत माफिया के घोटाले नशा माफिया फिर स्कॉलरशिप घोटाला और वैक्सीन घोटाला शांत नहीं हुआ कि हुण पंजाब सरकार का फतेह किट मामले में नवा घोटाला सामने आ गया है आप आगू जरनैल सिंह ने कहा कि फतेह किट का 837 रुपये के सब तो पहला टेंडर किया गया उन्होंने कहा कि टेंडर में कहा गया कि सरकार 6 महीने तक इस मुल नहीं छेड़ सकती जबकि 3 अप्रैल में फिर टेंडर किया गया इसका रेट 837 तो वधा के 940 रुपये कर दिया गया फिर 20 अप्रैल में मुड़ टेंडर किया गया तो यह किट 1226 रुपये के खरीदी गई जबकि 7 मई में फिर टेंडर करके 1338 रुपये के किट खरीदी गई जिहड़ी किट 837 रुपये की सी उस 1338 रुपये तक पहुँचा दिता गया उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार भी मोदी सरकार वांग आपदा विच मौके लभ रही है उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने भी इस मामले में जांच के हुक्म दे दिए हैं इस दौरान भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार अपनी उन्होंने मनपसंद मेडिकल कंपनियों को टेंडर दे रही है जिन्हों को लाइसेंस भी नहीं हैं मान ने कहा कि 7 घर तो डायन भी छड़ दिंदी है पर पंजाब सरकार कुछ भी छड्डन तैयार नहीं है मान ने कहा कि बीते दिनी पंजाब के मुख्यमंत्री लंबी चौड़ी लिस्ट लैके दिल्ली कमेटी अगे पेश होए अते उन्होंने खुद कहा कि पंजाब सरकार के इन्ने मंत्री ते विधायक करप्ट हैं जिन्हों का नाम रेत माफिया एक्साइज माफिया ट्रांसपोर्ट माफिया में शामिल है उन्होंने कहा कि 40 के करीब कांग्रेसियों के नाँ इस सूची में शामिल हैं यह तो अली बाबा 40 चोर वाली गल है मान ने कहा कि कांग्रेस को 80 विधायक हैं जिन्हों में मुख्यमंत्री ने खुद मनिया कि 40 विधायक करप्ट हैं इसका सीधा सीधा मतलब कि 50% सरकार
ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਘਰ ਤਾਂ ਡੈਣ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਕੋਈ ਘਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 450-450 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ 1040 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 837 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ 1338 ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ। ਔਰ 1.5-1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, 1.5 ਲੱਖ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਇਹਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, 50,000 ਉੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਹੈ 1226 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ, 50,000 ਕਿੱਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆਪਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਾਫੀਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? 80 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, 40 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ 40 ਤੱਕ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਸੋ 50% ਸਰਕਾਰ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜਾਂ 'ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਰੇਤ 'ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਵਰਤੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਸਿੱਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੈਕਟਰ 32 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਕਾਦਮੀ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ SIT ਵੱਲੋਂ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐਸਕਾਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਸਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਤੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਦਾਨਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ 4643 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ PGI ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਮੈਦਾਨਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ 1 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਟੋਹਾਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਬਬਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਸੀਰਾਮ ਨੈਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਲੈਂਬਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ
मेरा दिल बहुत खुश है। जदों भी रिश्तियां नूं जोड़न दी गल हुंदी है तां मैनूं बहुत ही खुशी हुंदी है कि मैं रिश्तियां नूं जोड़न दा एक चंगा जरिया बनी हाँ। मैनूं तुहाडे सारयां नाल इह गल सांझी करदिआं होइआं बहुत खुशी हो रही है कि लैंबर अते उहनां दी पत्नी दी अज कमिशन वल्लों सुलाह सफाई करवा दित्ती गई है। इस दे नाल ही इहनां दे परिवार च रिश्तेदारां दी दखल नूं देखते हुए दोवां नूं रिश्तेदारां तों दूर रहिण दे लई वी कहा गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली च अज तो अनलॉक हो गया है। इस विच दिल्ली दे ITO चौराहे ते भारी ट्रैफिक देखा गया। अनलॉक होने तो बाद कई लोग अपने अपने कामों नूं जान लगे हन। अनलॉक हुंदे ही दिल्ली दे कई इलाकों च अप्रवासी मजदूरों के वड्डी गिनती दे विच आउंदे हुए उन्हां नूं वेख्या गया। आनंद विहार ISBT ते वड्डी गिनती विच दूजे सूबे तो प्रवासी मजदूर काम करन दे लई दिल्ली वापस आउंदे देखे गए। मजदूरों ने कहा कि लॉकडाउन हटन दे नाल उन्हां नूं रुजगार मिलन की उम्मीद है, इसलिए दिल्ली वापस परत रहे हैं। दसनयोग है कि दिल्ली सरकार ने सारे निजी दफ्तरों नूं सवेरे 9 बजे तो शाम 5 बजे के दरम्यान 50% समर्था के नाल काम करन की मंजूरी दिती है। दिल्ली च अज यानी सोमवार को अनलॉक की शुरुआत के नाल ही विशेष मुहिम जिथे वोट उत्थे वैक्सीनेशन शुरू हो रही है। लोग अपने घर नेड़े पोलिंग बूथ ते वैक्सीन लगवा सकेंगे। यह मुहिम 45 साल तो उपर वाले लोगों के लिए है। 45 साल तो उपर के 57 लाख लोग दिल्ली के 27 लाख लोगों को पहली खुराक लग चुकी है। 30 लाख लोगों को अजे लगनी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि लोग वैक्सीन के लिए अगे नहीं आ रहे हैं, इसलिए लोगों को घर घर जाके कहा जाएगा कि जिथे वोट पाउन जाते हो उत्थे ही वैक्सीन लगेगी। अज तो दिल्ली के 70 वार्डों के यह मुहिम शुरू की जा रही है। दिल्ली के 280 वार्ड हैं तो हर हफ्ते 70-70 वार्डों के मुहिम चलेगी। इस दौरान बूथ लैवल अफसर घर घर जाएंगे और स्लॉट दे के आएंगे। लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए उत्थे जाना होगा। जे लोग नहीं जाएंगे तो उन्होंने घर BLO दोबारा जाएंगे। घर तो लोगों को ई रिक्शा तो उन्होंने वैक्सीन सेंटर तक लिया ले जाने के लिए प्रशासन वालों सहूलत उपलब्ध करवाई जाएगी। एंटीगुआ ते बारबुडा दी रॉयल पुलिस फोर्स ने भगोड़े व्यापारी मेहुल चौकसी नूं अगवा करने दे मामले दी जांच आरंभ कर दिती है। प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने दस्सिया कि चौकसी अपनी मित्र दे नाल डोमिनिका दे विच गया सी, पर उस दे वकीलां ने अदालत नूं शिकायत की है कि उस नूं डोमिनिका ले जाके अगवा कर लिया गया, जिस कारण पुलिस वालों सारे पहलुओं की जाँच की जा रही है। उन्होंने दस्सिया कि चौकसी दे वकीलां ने कई जनियां दे नाम भी पुलिस नूं दित्ते हन। उन्होंने कहा कि जे इस दे विच सच्चाई है तो यह गंभीर मामला है। दसनयोग है कि चौकसी ते नीरव मोदी पंजाब नैशनल बैंक के 13,500 करोड़ लोन घोटाले दे विच लुड़ींदे हन। देश विच कोरोना मामलों विच लगातार कमी आ रही है ते पिछले एक दिन दे विच कोरोना दे 1,636 मामले सामने आए हैं, जो 5 अप्रैल तो हुण तक सब तो घट हैं। इत्थे पिछले 24 घंटिया दे विच 2,427 मौतां होईयां हन। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों जारी अंकड़े अनुसार देश विच पॉजिटिविटी दर लगातार घट रही है ते देश विच ऐतवार नूं 1,14,460 केस आए सन। ते इस दे नाल ही खबरां दा अज दा बुलेटिन इत्थे खत्म हुंदा है। वधेरे खबरां दी जानकारी दे लई तुसीं बने रहो फ्रेंड्स TV कैनेडा दे नाल, ते मैनूं दे दिओ इजाज़त। धन्यवाद।